ओम शांति, ओम शांति। सब बहन भाई बोलो ओम शांति। देखो कितना अच्छा लगता है, सभी प्यार से बोलो ओम शांति। सारे ज्ञान योग का ओम शांति में ही सब आ जाते हैं। ज्ञान अगर इतनी मूल्यां पढ़ते हैं सुनते हैं, इस सेंस ये है, बाबा कहते हैं स्वयं भगवान ब्रह्मा तन में कहता है, क्या कहता है, देव मान को छोड़ मुझे एक याद करो, मैं एक ही हूं। दुनिया में मित्र संबंधी अनेक, पर ये अच्छा है एक को याद करना, माना आज के मुरली का वरदान मुझे बहुत अच्छा लगा। राजाई की निशानी है ताज, और राजयोग की निशानी क्या है, लाइट का ताज। जो देखे, और मैंने विदेश का भी अनुभव है, यहाँ का भी शुरू शुरू सेवा का अनुभव है, हर एक और जो देखते थे ना उनको लाइट नजर आती थी। उस लाइट में माइट बहुत है, शक्ति बहुत है। परमात्मा की शक्ति खींचने के लिए मेहनत नहीं है, पर वो खींचती है, आकर्षण है बहुत। जो शरीर ये देह देह के संबंध है, आज मैंने 2-3 बारी रिपीट किया, भले 40 साल विदेश में रही पर मुझे असल कुछ याद नहीं है, कोई याद नहीं है। याद कराते तब नहीं आते हैं। हो गया जो बाबा को कराना तो करा लिया, अब क्या करने का, सदाई ये सोच, अब क्या करें, आज क्या करने का। और दूसरा, ये सारे कलप में ये जो 100 साल है इसकी वैल्यू बहुत है। 80 साल हमको हो गया बाबा का बनने के लिए, जैसे बाबा आज भी कहा 2-3 बारी है, बाप पर बला जाना माना वर्ष का हकदार बनना। वसे में क्या मिला है, सुख शांति का भंडारा भरपूर है। ये भी बाबा ने अच्छा कहा, भक्ति मार्ग में यज्ञ रचते हैं, कोई विघ्न ना आवे, या विघ्न आया हुआ ऐसा जगह। भगवान ने यज्ञ रचा है, और उसमें हमको अपना साथी बनाया है। हम भी, बाबा ने यज्ञ रचा, यज्ञ में कोई विघ्न ना आए और ही विघ्न खलास हो जाए, इसलिए हम सेवा में आए हैं।
सेवा क्या है, सेवा क्या है। कुछ समय साकार बाबा ने बहुत अच्छी तरह से आंखें खोली, ओ युग में कैसे बैठना है ये सिखाया था। बाबा मेरा, मैं बाबा का, कितना सिंपल बात है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। क्योंकि ये भाई भले आया है, देखो ना कैसे बाबा के घर खींचो उतियाने के, ऊपर से होके आए, पांडव भवन देखा, हमारा ज्ञान सरोवर देखा, पीस पार्क भी देखा, बड़ा अच्छे अभी आए हो यहाँ। तो मैं अभी क्या बताऊं, सिंपल बात है यार, सिर्फ अपने आप को सच्चाई से दिल को साफ रखना है। दिल में कुछ कोई भी हलचल नहीं है, अचला डोल रहना, बुद्धि को स्थिर बनाना, इतनी अच्छी रोशनी मिली है। मेरा तो अंधकार चला गया, पर जहां हम होंगे वहां भी अंधकार चला जाएगा, रोशनी। ये रोशनी कौन सी है? कहां से मिलती है? परमात्मा बाप गोद बिठा के गले लगा गया, पर पलकों में बिठा के उड़ा देता है। मेहनत नहीं है, उड़ जाए रे पंछी ये देश वाबे गाना। ये गीत पहले बजता था, उड़ जाए रे पंछी, तुम पंछी है ना, पंछी और परदेसी दोनों नहीं किसी के मीत। हमारे यहाँ भी है, लंदन में भी है, जो अच्छे अच्छे घर बंगले हैं ना, वहाँ कबूतर जरूर आएगा। कितना भी कोशिश करेंगे इधर उधर से अपनी जगह बना देंगे। और कबूतर को कुछ खाना देना भी एक पुण्य कर्म है, कोई आ जाने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, बाबा ने ये नत्र खोला, ये भले ये आंखें खोली है, पर न्यारे है, संसार में रहते हर एक का पाठ अपना अपना है, दो न मिले एक से। कभी भी
हम रेस किससे भी रीसर नहीं कर सकते, रेस भले करो पर इस जेल से ये ऐसे मैं भी ऐसे ना ना मैंने देखा मेरा जो ये फोटो है ना हाथ ऐसे तो आज कोई ये दूसरे चित्र को दूसरा कोई फ्रेम चढ़ा के ले आया आत्म ये आत्म है ना ये हम बहुत बातें नहीं करते हैं अपन को भी कहते शांति से चलो औरों को भी इशारा देते हैं शांति माना शांति माना अडोल चल स्थिर कुछ भी बात हो गई न सुनते हैं न सुनाते हैं टाइम ही नहीं है टाइम है उसके याद में रहना और एक दो को आगे बढ़ाना रीस नहीं है पर अच्छा प्रेम है ये वायुमंडल आप देखेंगे यहाँ अंदर हाल में आते ही पांव रखते ही खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर समझा मेरी बात खींच रहा है कोई हमको डाल के प्रेम की डोर किसको अनुभव हो रहा है ये कोई खींच रहा है यहाँ अंदर आते ही और मैं देखती हूँ कोई बाहर घूम रहे हैं मैं कह क्यों घूम रहे हैं ये टाइम अमृत वेला और मुरली का टाइम और नमा शाम को जो 7 से 7:30 योग तो ये आधा घंटा रो रहा पर जो साथ मिले कभी भी सुबह शाम क्या बोलेंगे ओम शांति यही बोलते हैं ना कहीं ईमेल आते हैं हंसा लेके आते हैं मेरे पास गए कहते हैं नहीं तुम जवाब दे दो ना इन बेचारे को तो ईमेल क्या होता है हंसा मुझे देती है मैं उनमें ओम शांति करती हूँ खुश हो जाते हैं ओम शांति में ही देखो ये अंगुली एक ये दूसरी ये बड़ा अच्छा है ये छोटी है ये मोटी है ये छोटी है ना संयोग की सबके संयोग से ये तिलक विजय का ये विजडम और ये एक बाबा दूसरा हमारा दृढ़ संकल्प सबका कल्याण हो गए ये भावना है कभी भी किसके प्रति द्वेष भावना ना ये बहुत बहुत गलत है द्वेष भावना से
बहुत गलतियां हो जाती है, तो अंदर ही अंदर अगर मुझे देवता बनना है वो तो पीछे बने पर बनेंगे, पुरुषार्थ भी करना है। कहाँ भी रहे, आज पता नहीं क्या पढ़ रही थी, बॉम्बे के कई समाचार, अच्छे अच्छे समाचार पढ़ रहे थे। मुझे याद आया मैं भी बॉम्बे में, पूना में 16 साल रही, तो क्या था बॉम्बे में बाबा होता था, सुबह को ट्रेन में बैठो 3 घंटे में पहुंच जाते थे, 2-3 घंटे। तो जहां भी कदम रखो तो बाबा ने समझाया, बच्चे ये जो तुम्हारा कदम कदम पर पद्मों की कमाई है, कदम कदम पर पद्मों की कमाई है, वो कमाई कौन सी बैंक में जमा है? स्थूल जो अभी जो बैंक होती है ना, कईयों को बैंक में कुछ जमा होगा तो फिर लाओगे, और हमको पता ही नहीं है बैंक में कैसे रखा जाता है, क्या करेंगे। सफेद कपड़ा खीसा खाली, हम हैं सारे मुल्क के वाली, ये नशा निशानों को दिखाता है, तुम्हारा निशान क्या है, कहाँ जाना है, क्या करने का है। भविष्य है सुख धाम, अब भी है शांति धाम, अब भी जाना है शांति धाम, वो कहाँ है? जो शांति धाम ऊपर में है, आकाश तत्व से पार, आकाश तत्व से पार, पांच तत्व है ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांच तत्व है ना, वो तत्व भी मिल करके कितने काम करते हैं, परंतु सच झूठ कर्म में संबंध में अगर सच है तो सिंधी में कह सच भी छो नच, सच्चा अंदर ही अंदर भगवान का गुण गाता रहेगा, भगवान मुझे ऐसे जीवन जीना कितना बड़ा भाग्य है, दिल कहता सब भी ऐसे जीवन क्या होती है, क्या करना है, समय की वैल्यू है, अब करना है, कब करेंगे नहीं, अब करना है, क्या करने का है। तो ये वंडरफुल अनुभव है, कितना साल पहले मैं समझ 74 ही होऊंगा, लंदन से फिर अमेरिका गई थी, तो टेक्सस में हमारा यूनिवर्सिटी में भाषण का प्रोग्राम रखा यूनिवर्सिटी में, तो जब कुछ बोला तो ट्रांसलेशन डेनिस करने लगे, डेनिस तभी नई नई स्टूडेंट थी पर जल्दी कैच किया जो हिंदी समझना, तो ट्रांसलेशन किया, उसी घड़ी उन्होंने पूछा अगर तुम्हारा ये ब्रेन टेस्ट करे तुमको ऐतराज़ तो नहीं है? मैं ऐतराज़ नहीं, क्या करेंगे,
अभी मैं 10 बजे से घर से निकली थी, 1 बजा था। मैं भले कर लेके गया अंदर, यहाँ रस्ते बांध दिए, कुछ तारे बारे बांध दिए, फिर क्वेश्चन पूछे 2-3, पता नहीं एक्यूरेट जवाब निकलता रहा। तो मैंने पूछा ये क्या मतलब है आपका, का ऐसा ब्रेन किसका नहीं देगा, स्टेबल माइंड इज अ वर्ल्ड, ये नाम मशहूर हो गया। उसके बाद बॉम्बे से नहीं, लंदन से ही ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम बना, इतना 16 घंटा प्लेन में बैठे, जब वहाँ पहुँचे सीधा ये टेस्ट करने लगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर लंदन आई तो इसका लंदन में बुलाया, वहाँ भी टेस्ट किया जाना, फिर जो टेस्ट करके फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे जो उत्तर ऑटोमेटिक राइट निकलता था। भले इंग्लिश नहीं समझते हैं, परंतु मैं ये बताने का मतलब ये है, बुद्धि में ये निज ज्ञान, अगर बुद्धि में धारणा में है तो अच्छी अच्छी सेवाएं, क्योंकि भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। माला मंत्र बहुत लिया, भक्ति तो बचपन से ही बहुत की है, और ऐसे घर में जन्म हुआ था जहाँ कभी अनाज खरीद नहीं किया था, दूध खरीद नहीं किया था, गायें भी रखी थी घर, अपनी खेती बाड़ी भी थी जहाँ से, तो घर में कोई भी गरीब लोग आते थे तो कह देते थे जो आया ना उनको दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, जो भी कुछ खाना वाना लेके जाए। तो अभी ऐसे कर्म करें, कर्माती किसी ने पूछा भी, तुम कहते अच्छे कर्म करो, फिर कहते कर्मातीत बनो, समझा मेरी बात, जिसने समझा तो ठो। हाँ, अच्छे कर्म भी करो, जैसा कर्म मैं करेंगे मुझे देख और करेंगे, दिखाने के लिए सब नहीं करते हैं। कोई कहते हैं अच्छे, ये केयर भी करती है, शेयर भी करती है, इंस्पायर भी करती है। एक दो के बाद रिगा देना, केयर करना, अपना अच्छा अनुभव शेयर करना, क्यों शेयर का धंधा सबसे ऊंचा है। लोग एक बाप था, उनको कहता 1 घंटा दुकान पर जाता था, अरे क्या शेयर का धंधा वो शायद। तो हम भी क्या कमाई कर रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे, अपने आत्मा में जो संस्कार भर रहे हैं, गारंटी है दूसरे जन्म में भविष्य ऊंचा होगा, रियल और रॉयल। रियल
लगता है ये रियल है। नया भी उसको वाइब्रेशन से फील करते ये रियल है और रॉयल्टी है, इशारे से काम करना है। अब ये जो नियम बना है अमृत वेला और निमाशाम, तो एक है चार सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान योग दाना सेवा। सिर्फ सेवा पहले लग जा बिजी हो जावे नहीं, पहले ज्ञान माना मैं कौन हूं मेरा कौन है, फिर योग, योग से बल आता है, ज्ञान से योग लगता है, योग से बल आता है, धारणा में सभी को दिखाई पड़ता है, प्रैक्टिकल है। धारणा क्या है? बोलना कम, सोचना भी कम, शांति से काम लेना, बहुत काम अच्छे हो जाते हैं। बहुत मेहनत तो नहीं है, तो ज्ञान योग दाना सेवा। दो और बात है, नियम और मर्यादा, उसमें भी एक्यूरेट रहना चाहिए। जो नियम बनाया हुआ है भोजन के टाइम भोजन खाना है, योग के टाइम योग में रहना है, अंदर योग कनेक्शन परमात्मा से है, भोजन खाते मैं योग में बैठ जाएंगे अंदर, उससे साथ प्रीत बुद्धि, निश्चय से प्रीत बुद्धि और विजयंती, निश्चय से प्रीत बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। तो मुझे संशय कोई नहीं है, निश्चय खुद में भी है, बाप में भी है, एक दो में भी, कोई एक बारी भी मिलने आएंगे ना, बस समझा किस रास्ते पर जाना है, मूंझना नहीं है कहाँ जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, नहीं मूंझना पूछना छूट गया, ओके अच्छा भाई ये ऐसा साइलेंस का गीत बजाओ। जाने
ओम शांति। हम सब के बीच दादी जी से जो हमारे वरिष्ठ मेहमान मिल रहे हैं, आप हैं निरंजन हीरानंदानी। आप सब जानते हैं कि आप पूरे भारत और विश्व में बहुत बड़े प्रसिद्ध बिजनेसमैन, और आपकी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़, स्कूल कॉलेज, बहुत प्रकार के विविध सेवाएं चल रही है। बहुत समय से आपका संकल्प था कि बाबा के घर पहुँचें, परंतु आज उनका ड्रामा बन गया, तो विशेष बाबा के घर में पधारे हैं, और हम सब फिर से कर्तर ध्वनि से एक बार स्वागत करेंगे। आपने मुंबई में एक पूरी नगरी बनाई है, और वो स्वर्ग टाइप की नगरी है जो देखने योग्य है। दादी जी के साथ बहुत सुंदर यादगार यहां से बनाकर ले जा रहे हैं। ताल ताल में ताली, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मत से ऐसी माँ, ओ, ओ, ओ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ।
दिल हूँ एहसास वो। मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो। मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। की धारा